मोर बेहद खूबसूरत पक्षी है। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, पुराण और संस्कृत में मोर का अत्यधिक महत्व माना गया है। मोर पंख घर में रखने से अमंगल टल जाता है। आइए जानें 25 अनूठी बातें मोर पंख के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित के टोटके में। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मोर, मयूर, पिकाक, कितने खूबसूरत नाम हैं इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत यह दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को भी अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर प्रिय है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आर्गस, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी जी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्यान यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें, इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या कि शत्रु तंग कर रहे हो तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें। वह सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। राहु का दोष होने पर मोर पंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार पर लगाएं। अगर आपके घर में मोर पंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब व डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोर पंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोर पंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोर पंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटा दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई दे। आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लाकर या तिजोरी में रख दें। बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए
नवजात बालक को मोर पंख चांदी के ताबीज में पहनाए। घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। आग्नेय कोण में मोर पंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोर पंख जरूर लगाएं। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। यह भी विशेष गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं हो। दोस्तों और मित्रों, आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।